अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए आज मैंने बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। चिकन कढ़ाई, बटर चीज़ चिकन कढ़ाई मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है, तो बहुत ही मज़े की है, बहुत जल्द बन जाती है, टेस्टी है, यमी है। आइए चल चलते हैं, मैंने रेसिपी किस तरह से रेडी की आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी और चेंज रेसिपी बना रही हूँ, न्यू स्टाइल में चिकन कढ़ाई। इसके लिए हमने लिए 1 किलो चिकन है, हमारे पास हरी मिर्चें हैं, अदरक है, 5 से 6 हरी मिर्चें कटिंग कर ली हैं, अदरक ली है, छोटा सा स्लाइस टमाटर हमने लिए हैं। हमने लिए चिकन 1 किलो तो हमने टमाटर लिए हैं 1.5 किलो। उसके अलावा चिकन कढ़ाई खट्टी ना हो उसके लिए हमने प्याज ली है 1/2 किलो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खट्टी कढ़ाई जो पसंद नहीं है। इसके अलावा हम और मसाले भी डालेंगे, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बहुत मज़े की, बहुत ही टेस्टी यहाँ पर चिकन कढ़ाई बनने वाली है, बिल्कुल न्यू स्टाइल में, रेस्टोरेंट स्टाइल में, होटल स्टाइल में। यहाँ पर मैंने लिए हैं काली मिर्चें 2 चमचे, 2 तेज़पात लिए हैं या वो बादियान, और ये है छोटी इलायची, हम इसको छिलके समेत ही पीसेंगे कूटेंगे, और ये एक बड़ी इलायची है, इसका मुंह भी खोल लेंगे बड़ी इलायची का। उसके अलावा हम लेंगे काली मिर्चों के साथ ज़ीरा, इसे भी हम कच्चा ही कूट लेंगे। तेज़पात के पत्तों को हम साइड में कर देंगे। इसके अलावा हम सारे मसाले एक साथ मिला के और इसे हम कूट लेंगे। मसाला मैंने अच्छे से कूट लिया है यहाँ पर, और इलायची के छिलके हम चिकन बिल्कुल पक जाएगी, पूरी रेडी हो जाएगी, इसके बाद हम इलायची के छिलके फेंकेंगे। इसको हम इलायची के छिलकों को भी दानों के साथ जो है चिकन में पका लेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म कर लिया है, ऑयल लिया है 1 खाने का चम्मच बड़ा वाला, और उसके साथ हम प्याज लेंगे 1/2 किलो जो हमने ली थी, इससे मसाला भी अच्छे से बन जाएगा। बड़ी फैमिली की ये कढ़ाई 1 की जगह 2 टाइम की होगी, और छोटी फैमिली की कढ़ाई होगी 2 टाइम की जगह 4 टाइम की होगी। इतना ज़बरदस्त यहाँ पर हम मसाला बना रहे हैं, सारे घर के मसालों से हम बनाएंगे इसे, और बहुत मज़े की बनाएंगे इसे, झटपट बनाएंगे, जल्दी से बनाएंगे, और आप इस तरह से बनाएंगे बहुत मज़े के साथ खाएंगे। दावतों में भी आप बना सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करिएगा। एक भी स्टेप को आप मिस नहीं कीजिएगा, वरना आपकी रेसिपी जो है इस तरह की नहीं बनेगी जिस तरह से जायके से मैं बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने तेज़पात के पत्ते ऐड कर दिए हैं, चिकन ऐड कर लिए, इसे अच्छे से भून लेंगे प्याज के साथ। प्याज को हमने लाइट सा गोल्डन ब्राउन किया है। अदरक के पीसेस जो मैंने कटिंग करे थे चिकन के साथ भूनते हुए मैं इसे डाल लूँगी, अच्छे से फ्राई कर लूँगी। छोटी बड़ी हरी मिर्चें मैंने कटिंग कर ली थी, बीच से ऐसे मैं डालूँगी। यहाँ पर चिकन को भूनते के साथ हरी मिर्च में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बिल्कुल होटल वाली कढ़ाई का। आप लोग बना के देखिएगा, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। जिन लोगों ने मेरी रेसिपीज़ रेडी की हैं उनके कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि आपकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होती है, थैंक्स फॉर शेयरिंग रेसिपी। लेकिन जिन लोगों ने नहीं ट्राई की है रेसिपी, वो लोग भी ज़रूर ट्राई करें। अब हम डालेंगे कढ़ाई में ये सारे मसाले जो हमने कूट के रखे थे। उसका खुशबू माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जी चाहेगा यहीं पर इसे नान के साथ खा लिया जाए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू पूरे घर में फैल रही है। डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज को देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी तरह से घुल चुकी है, बट हम इसे अभी और पकाएंगे, पूरी जो है ये अच्छी तरह से घुल जाएगी टमाटरों के साथ भी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी है प्याज को ब्लेंड में देने की। अब हम टमाटर डाल देते हैं। यहाँ पर मैं टमाटर ऐड कर चुकी हूँ, थोड़ा सा फ्राई कर लेने के बाद टमाटरों को मैं यहाँ पर हल्की आंच पे रखूँगी ताकि टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाएँ, और फिर हम इसे भूनते हैं। यहाँ पर मेरे पास है कढ़ाई गोश्त का मसाला, और यहाँ पर मेरे पास है चिकन पाउडर, इसे ऐड कर लेंगे। कढ़ाई गोश्त के मसाले में बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स हैं, लेकिन ये है कि है बहुत मज़े के। इसकी रेसिपी मैं आपको बहुत जल्द दूँगी, जो मैंने बना के रखा है ये कढ़ाई गोश्त का मसाला। बहुत कम मसालों के साथ ये कढ़ाई का मसाला है, इसमें नमक भी शामिल है। अब ऐड करते हैं चिकन के अंदर। यहाँ पर टमाटर और प्याज ने पानी छोड़ दिया है, इसे हम खुश्क करेंगे पानी को ढक्कन लगा के, उससे पहले हम डालेंगे मसाले। चिकन पाउडर तैयार है, बाज़ार से इजली मिल जाता है, और इसमें भी नमक शामिल है, इसे
से हम पूरा पाउडर ऐड कर देंगे पैकेट, क्योंकि हम 1 किलो कढ़ाई बना रहे हैं, 1.5 किलो हमने टमाटर लिए हैं, तो अच्छा सा मसाला बनने वाला है, तो उसके बाद हम एक ही पैकेट डालेंगे। यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने लिया है कढ़ाई मसाला, जिसकी रेसिपी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और इसे हम ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा ही ऐड करना है इसको जायके के लिए। मिर्चें हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, हरी मिर्चें और काली मिर्चें। मिर्चें ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, क्योंकि ये कढ़ाई बच्चों ने भी खानी है, तो हम मिर्ची तेज़ कर देंगे तो बच्चों से नहीं खाई जाएगी, तो मिर्चें हमने नॉर्मली रखी हैं। पानी खुश्क हो गया था, मैं इसे यहाँ पर भून रही हूँ। मिर्चें मसाले आपको डिपेंड करते हैं कि आप हल्की मिर्चें मसाले खाते हैं, हल्का नमक मिर्च खाते हैं, तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं 1 किलो चिकन के हिसाब से। मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से मिर्चें मसाले रखे हैं, रेसिपी इसी तरह बनाइएगा, मिर्चें मसाले कम या ज़्यादा आप अपनी मर्जी से कर दीजिएगा। मुझे कॉमेंट में फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी ट्राई करने के बाद किस तरह की लगी, बताइएगा। तो इसी में इसमें बटर चीज़ भी इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास नहीं हो तो आप क्रीम भी यूज़ कर लीजिएगा, बटर चीज़ की जगह आप क्रीम भी ले सकते हैं। हरी मिर्चें भूनने के साथ साथ इसमें घुलती जा रही है, क्योंकि वो सॉफ्ट भी होती है, इसीलिए मैंने लाल मिर्च वाला मसाला कम डाला है सर में कढ़ाई का। अक्सर इवेंट्स में कोई भी दावत वगैरह हो या कोई तकरीब वगैरह हो कुछ भी, तो उसमें इस तरह से कढ़ाई जो बनाई जाती है चिकन कढ़ाई, मैं उसी तरह की रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी, यहाँ पर खुशबू आ रही है, ये अंदाज़ा खुशबू का, टेस्ट का, जायके का आप इस तरह से लगा सकते हैं जब आप बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे कढ़ाई को, तो टेस्ट भी आप कर पाएंगे और फिर आप जायका भी बताएंगे किस तरह का होगा। कोयला दम कढ़ाई अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप मसाले इसके सारे भून लें चिकन के, इस तरह से मैंने अभी तक इसकी रेसिपी तैयार की है। यहाँ पर बिल्कुल फिर हम हल्की आँच पर रखने लगेंगे, तो उस वक्त हम कोयले को जगाएंगे और कोयले को यहाँ पर हल्की आँच पर रख कर तकरीबन 5 मिनट और उसे हम कवर कर देंगे, तो ये कोयला दम कढ़ाई हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ कोयला नहीं लगा रहे हैं, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं यहाँ पर, क्योंकि मसाला लगे ना, हम तेज़ आँच से भून रहे हैं। नान चपाती पराठे के साथ मज़े के साथ खाएं, शेरवाल के साथ खाएं, इसे ज़ीरा राइस के साथ खाएं, जिस किसी चीज़ के साथ भी आप खाएंगे, हर एक चीज़ के साथ ये बहुत ही मज़े का टेस्ट देगी। अच्छे से मैं इसे भूनती जा रही हूँ, बिल्कुल हमें टमाटर जो है वो घुला दे रहे हैं, थोड़े बहुत ही हमें टमाटर नज़र आ रहे हैं, प्याज तो घुल चुकी है इसके अंदर। थोड़ा सा पानी डालती हूँ और इसे रखूँगी स्लो टू मीडियम पे, थोड़ा सा चिकन को गलाऊंगी मैं, 10 से 15 मिनट। पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर, हल्का सा हमने इसके अंदर पानी डाला है, थोड़ा सा ही मैंने गरम मसाला डाला है खुशबू के लिए, जायके के लिए। तो ये देखिए इवेंट, यहाँ पर होटल वाली कढ़ाई जो है बहुत ही मजेदार टेस्टी इवेंट वाली कढ़ाई मैंने दावत वाली कढ़ाई यहाँ पर रेडी कर दी है, बहुत ही मज़े की बनी है। इसमें हम हरा धनिया भी ऐड करेंगे। गरम मसाला डालने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी खुश्क किया, चिकन को गलाया और इसको थोड़ी देर मैंने 5 मिनट के लिए दोबारा से भूना, और मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और ये हरा धनिया डालती हूँ। तो कैसी लगी रेसिपी आप लोग मुझे कॉमेंट में बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और अच्छी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।